राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर IRDT सभागार में राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल कामा ने शिरकत की। वहीं लोगों में बढ़ते नशे की लत को देखते हुए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लोगों को एड्स जैसी गंभीर बीमारियों और उससे बचाव के बारे में भी बताया गया। आगे लोगों को फास्ट फूड, जंक फूड से परहेज करने की बात कही गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें ब्लड बू डोनेशन का सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन और डोनेशन हो रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जयंती पे पूरे उत्तराखंड में हम सशक्त युवा और सशक्त भारत, सशक्त उत्तराखंड का एक स्लोगन देके एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। आज प्रभात फेरियाँ भी निकाली गई हैं, आज गोष्ठियाँ भी की गई हैं और ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी हमने 17 जगह में आयोजित किए हैं। इस साल अभी तक 1,24,000 लोगों ने ब्लड डोनेशन हमारे राज्य में किया है और 1,41,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है ब्लड डोनेशन के लिए।